गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजी पे प्राइम रिटेलर के बारे में कि अगर आप इजी पे का प्राइम रिटेलर लेते हैं तो क्या क्या न्यू सर्विस आपको मिल जाता है, इजी पे का प्राइम रिटेलर क्या है, इजी पे का प्राइम रिटेलर को कैसे एक्टिवेशन करते हैं, अगर आप एक्टिवेशन करते हैं तो क्या क्या सर्विस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इजी पे का प्राइम रिटेलर से रिलेटेड जो भी आपका क्यूरीज है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, मैं आपको सारा डिटेल आपको बता दूंगा। तो देखिए, इजीपे का कई तरीके का अपडेट आया है, कई तरीके का न्यू सर्विस लेकर के आया है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके आपको वीडियोस देते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजीपे प्राइम रिटेलर के बारे में। देखिए, इजीपे का प्राइम रिटेलर पहले भी था, चला आ रहा था, उसमें एनईओ बैंकिंग आपको मिल रहा था। अभी अगर एनईओ बैंकिंग को छोड़ के देखें तो और भी कई तरीके का सर्विस इसमें ऐड किया गया है, अगर आप एज अ प्राइम रिटेलर लेना चाहते हैं तो। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। जो जो लोग मुझे नए देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है समदिल और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। जैसे ही आप अभी इजी पे आईडी को ओपन करेंगे, इजी पे रिटेलर आईडी को ओपन करेंगे, यहां पर आपको कई तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब स्क्रॉल करके यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अपडेट प्राइम रिटेलर का, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शन खुल करके आएगा। अब अगर आप इसको अपडेट कराना चाहते हैं, नॉर्मल आईडी को एज अ प्राइम रिटेलर बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चार्जेस पे करना होता है, साथ ही आपको कई तरीके का सर्विस इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। जैसे कि जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा, यहाँ पर आपको दिया जाएगा एनईओ बैंकिंग सर्विस। एनईओ बैंकिंग सर्विस मतलब जो बैंक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस इजी पे में लाया गया है, जो आप आधार ओटीपी से बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जो कि कई बैंकों का यहां पर दिया गया है, वो एनईओ बैंकिंग का सर्विस आपको एक्टिवेटेड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस यहां पर, अगर आप इजी पे का प्राइम रिटेलर परचेस करते हैं तो और एक सर्विस आपको दिया जाएगा, एनएसडीएल पेन सर्विस। इसमें आपको एनएसडीएल पेन सर्विस दिया जाता है, जो कि इंस्टेंट पैन कार्ड हो जाता है। ओटीपी और बायोमेट्रिक दोनों टाइप से आप यहां पर पैन कार्ड बना सकते हैं, अगर आप प्राइम रिटेलर लेते हैं इजी पे का। तो इस एनएसडीएल से अगर आप यहां पर पैन कार्ड बनाते हैं तो आपका कूपन चार्जेस, मतलब कि रिटेलर का कूपन चार्जेस 107 रुपीज काटा जाएगा, और रिटेलर को 5 रुपीज का कमीशन दिया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर को यहां पर 2 रुपीज का कमीशन दिया जाएगा एनएसडीएल पैन सर्विस से, अगर रिटेलर पैन कार्ड बनाता है तो। ये गया दूसरा सर्विस। उसके बाद तीसरा सर्विस यहां पर आपको मिलेगा, इंश्योरेंस सर्विस। आप अगर प्राइम रिटेलर लेते हैं तो यहां पर इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस सर्विस भी आपको देखने को मिल जाता है एज अ प्राइम रिटेलर अगर वर्क करते हैं तो। उसके बाद स्कैन एंड पे का आपका जो लिमिट रहता है वो 10,000 होता है, बट अगर आप प्राइम रिटेलर ले लेते हैं तो आपको यहां पर अप टू 25,000 तक स्कैन एंड पे करके एक बार में आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं। अप टू 25,000 तक यहां पर आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं अगर आप एज अ प्राइम रिटेलर वर्क करते हैं इजी पे में तो। उसके बाद यहां पर और एक सर्विस मिल जाता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। यहां पर 11,00,000 का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है जब भी आप यहां पर इजी पे का प्राइम रिटेलर परचेस करते हैं तो। इसके साथ डिफॉल्ट आपको ये आपका जो है आईडी में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर है अर्न एक्स्ट्रा कमीशन, और भी कई तरीके का एक्स्ट्रा कमीशन आपको दिया जाएगा, और जो भी इसमें सर्विस आएगा नेक्स्ट में या फिर जो भी सर्विस लाया जाएगा वो सबसे पहले प्राइम रिटेलर को ही दिया जाएगा। जितने सारे लोग प्राइम रिटेलर परचेस करेंगे, प्राइम रिटेलर रहेंगे इजी पे का, उन सभी को ही पहले सर्विस दिया जाएगा। अब इसको एक्टिव करने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करना होगा, जैसे कि 590 रुपीज के करीब चार्जेस आपको पे करना होगा, जो कि आपके वॉलेट से डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाएगा अगर इस सर्विस को आप एक्टिवेट करते हैं तो। तो अगर आप एग्री हैं और इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, तो आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, उस पासवर्ड को यहां पर एंटर करना है। वन टाइम पासवर्ड मतलब कि ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, यहां पर मेरे वॉलेट में बैलेंस नहीं है इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। आप जब भी यहां पर क्लिक करेंगे आपका प्राइम रिटेलर एक्टिव कर दिया जाएगा, और इन सारा सर्विस का आप जो है यूज कर सकते हैं, जितने सारा सर्विस मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। इन सारा सर्विस में जो भी कमीशन आपको मिलेगा वो सारा कुछ का पीडीएफ फाइल हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, आप अगर चाहते हैं वो पीडीएफ फाइल देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम लोगों का चैनल में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल में आपको साथ ही अपडेट वगैरह सारा कुछ वहां पर आपको हम लोग देते रहते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। इजी पे प्राइम रिटेलर से रिलेटेड मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, क्या क्या मिलेगा अगर आप एज ए प्राइम रिटेलर लेते हैं तो, और कैसे एक्टिवेट करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इजी पे प्राइम रिटेलर से रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई डाउट जाता है, कोई क्वेश्चन सवाल रहता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिए और इसी तरीके का वीडियो के लिए हम लोगों के साथ बने रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।